बृहस्पति को सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का खिताब प्राप्त है, जो अपने गैसीय विस्तार में 1300 से अधिक पृथ्वियों को समायोजित करने में सक्षम है। यह सर्वोच्च है। इसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। लेकिन अपनी ब्रह्मांडीय टोपी को थामे रखें, क्योंकि हाल के खगोलीय खुलासों ने और भी अधिक विशाल इकाई का खुलासा किया है। सुबारु टेलीस्कोप और नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले खगोलविदों की पैनी नजरों की बदौलत अंतरिक्ष की गहराई से एक विशाल ग्रह उभरा है। यह बृहस्पति जैसा प्रोटोप्लैनेट एबी ओरिजी नामक एक युवा तारे की परिक्रमा करता है, जो एक खगोलीय नवागंतुक है जो मुश्किल से 5 मिलियन वर्ष पुराना है, जबकि हमारा अपना सूर्य 4.6 अरब वर्ष पुराना है। एबी ओरिजी लगभग 531 प्रकाश वर्ष दूर अरागा तारामंडल में स्थित है। इसकी नवजात चमक गैस और धूल के घूमते आवरण से ढकी हुई है। यह ब्रह्मांडीय कोकून तारे के विकास को बढ़ावा देता है। ग्रहों, बौने ग्रहों, धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों और सभी प्रकार के खगोलीय पिंडों के निर्माण के लिए आधार तैयार करता है। लेकिन आइए शो के स्टार पर जूम करें। नई खोजी गई गैस की दिग्गज कंपनी एबी ओरिजी बी ग्रह का यह टाइटन 9 बृहस्पति के बराबर द्रव्यमान का दावा करता है और अपने मूल तारे के चारों ओर एक महाकाव्य यात्रा पर निकलता है। एक यात्रा जो 93.9 खगोलीय इकाइयों की चौंका देने वाली दूरी के कारण लगभग 588 पृथ्वी वर्ष तक फैली हुई है। जो चीज इस खोज को वास्तव में आश्चर्यचकित करती है वह है इसके गठन का तरीका। धूल के कणों से ग्रहों के निर्माण के लिए पारंपरिक नीचे ऊपर दृष्टिकोण के विपरीत एबी ओरिजी बी ऊपर नीचे गुरुत्वाकर्षण पतन का एक उत्पाद है। यह अपरंपरागत उत्पत्ति ग्रहों के जन्म और विकास की हमारी समझ में एक रोमांचक मोड़ जोड़ती है, खगोलविदों को मंत्रमुग्ध करती है और ब्रह्मांड में कल्पनाओं को प्रज्वलित करती है। चट्टानें धीरे धीरे किसी प्रकार के केंद्रीय कोर के आसपास इकट्ठा होती हैं, जो विभिन्न तरीकों को प्रदर्शित करती हैं, जिनके द्वारा ग्रह आकार ले सकते हैं। यह हमारी आकाशगंगा के भीतर संभावित ग्रह प्रणालियों की एक विशाल श्रृंखला का सुझाव देता है। हालांकि एबी ओरिजिन बी अब तक खोजा गया सबसे बड़ा एक्सोप्लैनेट नहीं है। 2005 में खगोलविदों को जीक्यू लुपी बी नामक एक अनोखी खगोलीय वस्तु मिली। इस रहस्यमय इकाई ने सूर्य और प्लूटो के बीच की दूरी से 2.5 गुना अधिक दूरी पर एक युवा तारे की परिक्रमा की। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि जीक्यू लुपी बी या तो एक ग्रह या भूरा बौना, मूलतः एक लघु तारा हो सकता है। यदि एक ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो जीक्यू लुपी बी ज्ञात सबसे बड़े ग्रह का रिकॉर्ड रखेगा, जिसकी त्रिज्या बृहस्पति से 3.5 गुना अधिक होगी। लेकिन आइए तारकीय आकार के बारे में बात करें। सबसे भव्य तारे का खिताब यूवाई स्कूटी को जाता है, जो लगभग 1700 गुना अधिक त्रिज्या के साथ सूर्य को बौना करने वाला एक अति विशालकाय तारा है। यूवाई स्कूटी को हमारे सौर मंडल के केंद्र में रखने से इसकी पहुंच बृहस्पति की कक्षा से कहीं आगे तक बढ़ जाएगी। जहां तक धूल की बात है, तारे से बहने वाली गैस प्लूटो की कक्षा से कहीं अधिक दूर तक फैली हुई है, जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी से 400 गुना अधिक है। ब्लैक होल, वे रहस्यमय क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण सर्वोच्च है, उनमें इतना जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है कि प्रकाश भी बच नहीं सकता। यह गुरुत्वाकर्षण प्रभुत्व पदार्थ के अविश्वसनीय रूप से सघन स्थानों में संपीड़न से उत्पन्न होता है। आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो अक्सर सूर्य से लाखों गुना अधिक विशाल होते हैं, प्रतीक्षा में रहते हैं। इन ब्रह्मांडीय राक्षसों में से एक टन 618 है, जो अब तक खोजा गया सबसे विशाल ब्लैक होल है, जिसका द्रव्यमान 66 अरब सूर्य के बराबर है। 2010 में फर्मी टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने एक बड़ी खोज की, जब उन्होंने आकाशगंगा में प्रवेश करते हुए पदार्थ की विशाल बूंदें देखी। लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष की ऊंचाई पर स्थित ये फर्मी बुलबुले, जो केवल प्रकाश की विशिष्ट तरंग दैर्ध्य में दिखाई देते हैं, ने वैज्ञानिकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंतरिक्ष की विशालता के बावजूद कुछ क्षेत्र उजाड़ बने हुए हैं, जहां सुपर रिक्तियां ब्रह्मांडीय शून्यता के प्रमुख उदाहरण के रूप में खड़ी हैं। 2004 में एरिडानस तारा मंडल में खगोलविदों की नजर आश्चर्यजनक रूप से 1.8 अरब प्रकाश वर्ष तक फैले खाली स्थान पर पड़ी। इस रहस्यमय शून्य में न केवल गैस, धूल और तारे हैं, बल्कि डार्क मैटर भी है, जो वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। निहारिकाएं, अंतरिक्ष में बहते गैस और धूल के विशाल बादल विभिन्न रूपों में आते हैं। कुछ अपने जीवन चक्र के अंत के निकट तारे के रूप में उभरते हैं, प्रचुर मात्रा में सामग्री बाहर निकालते हैं, जबकि अन्य ऐसे क्षेत्रों में उभरते हैं जहां नए तारे पैदा हो रहे होते हैं। सबसे बड़ा ज्ञात निहारिका टारेंटुला नेबुला या 30 डोरेडस अपने सबसे बड़े विस्तार में 1800 प्रकाश वर्ष से अधिक फैला हुआ है। पृथ्वी से लगभग 1,70,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह तारकीय नर्सरी अनगिनत युवा सितारों के जन्म के साथ हलचल करती है, जिससे यह हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में सबसे प्रचुर सितारा निर्माण क्षेत्र बन जाता है। 2021 में अब तक का सबसे बड़ा धूमकेतु हमारे सौर मंडल में आया।
75 मील के व्यास के साथ इसके बर्फीले केंद्रक ने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में 50 गुना अधिक बौना कर दिया, जिसे 2014 यूएन 271 बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कहा जाता है। इस विशाल आकार के कारण शुरू में इसे एक छोटे ग्रह के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था। सौभाग्य से पृथ्वी से टकराव के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह 2031 तक हमारे हरे भरे ग्रह से कम 1 अरब मील दूर रहेगा। जहां तक अंतरिक्ष की गहराइयों में और भी बड़े धूमकेतुओं के छिपे होने की संभावना का सवाल है, तो ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्यों से पर्दा उठना बाकी है। ब्रह्मांड के असंख्य आश्चर्यों में से एक परमाणु पास्ता की दिलचस्प अवधारणा है, एक काल्पनिक पदार्थ जिसे अस्तित्व में सबसे मजबूत सामग्री माना जाता है। यदि यह वास्तव में अस्तित्व में है, तो परमाणु पास्ता विलुप्त तारों के अवशेषों से बनता है, जो स्पेगेटी जैसी उलझी हुई संरचनाओं में संकुचित हो जाता है। सैद्धांतिक रूप से परमाणु पास्ता टूट सकता है, लेकिन केवल स्टील को तोड़ने के लिए आवश्यक 10 अरब गुना से अधिक दबाव में। पल्सर गोलाकार शहरों के समान खगोलीय पिंड फिर भी सूर्य से अधिक द्रव्यमान रखते हुए एक दूसरे के विपरीत प्रकाश की जुड़वां किरणें उत्सर्जित करते हैं। ऐसा ही एक पल्सर ब्लैक विडो अपने नाम के शिकारी स्वभाव को साझा करता है, जो अपने साथी एक हल्के भूरे बौने तारे को खाता है। जैसे ही पल्सर सामग्री का उपभोग करता है, इसकी स्पिन धीमी हो जाती है, जिससे ऊर्जा अपने घटते साथी तक स्थानांतरित हो जाती है। कुइपर बेल्ट में बसा एक बौना ग्रह होमिया नेपच्यून की कक्षा से ठीक परे सूर्य को घेरने वाले आकाशीय पिंडों की एक अंगूठी से बना है। यह मिनी दुनिया एक विलक्षण लंबी आकृति का दावा करती है, जो हमारे सौर मंडल के भीतर पाई जाने वाली ब्रह्मांडीय विषमताओं की टेपेस्ट्री को जोड़ती है। यह ग्रह न केवल एक दिलचस्प अंगूठी बल्कि 2 चंद्रमाओं का भी दावा करता है। केवल 4 घंटे चलने वाले एक दिन के साथ हाउमिया हमारे सौर मंडल में सबसे तेज गति से घूमने वाली बड़ी वस्तु का खिताब रखती है। हालांकि इसकी सबसे रहस्यमय विशेषता इसकी 40 मील चौड़ी पतली अंगूठी है, जिसकी उत्पत्ति वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है। अटकलों से पता चलता है कि इसका निर्माण सुदूर अतीत में किसी टक्कर से हुआ होगा, लेकिन निश्चित उत्तर हमारे पास नहीं है। खगोलीय आश्चर्यों में से एक है फुल मेलहोट, जो हमारे रात के आकाश का 18वां सबसे चमकीला तारा है। खकी आंख के नाम से जाना जाने वाला इसका स्वरूप धूल और मलबे के एक छल्ले जैसा दिखता है, जो इसे घेरे हुए है, जिससे अंतरिक्ष की गहराई में झांकती एक विशाल आंख की छवि उभरती है। यह भव्य तारा सूर्य के द्रव्यमान से 2 गुने से भी अधिक पृथ्वी से मात्र 25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जो ब्रह्मांडीय मानकों के अनुसार अपेक्षाकृत कम दूरी है। तितली निहारिका पर विचार करें, जिसके पंख 3 प्रकाश वर्ष से अधिक फैले हुए हैं। इसकी जटिल संरचना देखी गई सबसे जटिल संरचनाओं में से एक 450,000 डिग्री फारेनहाइट तक गर्म एक सफेद बौने तारे के चारों ओर केंद्रित है। यह सफेद बौना एक विशाल तारे से उत्पन्न हुआ है, जो सूर्य से 5 गुना बड़ा है, और इसके भूमध्य रेखा पर धूल और गैस की एक घनी डिस्क से घिरा हुआ है, जिससे पूरी संरचना 1 घंटे के चश्मे या तितली की तरह दिखती है। यह आज के ब्रह्मांडीय अन्वेषण को समाप्त करता है। यदि आपकी जिज्ञासा संतुष्ट हो गई है, तो वीडियो को लाइक करने और अपने दोस्तों के साथ साझा करने पर विचार करें। और यदि आप अधिक ब्रह्मांडीय आश्चर्यों की लालसा रखते हैं, तो आगे की खोज के लिए बस इन वीडियो पर क्लिक करें।